अस्सलामुअलैकुम। आज हम मेयोनीज बनाएंगे, एगलेस मेयोनीज बनाएंगे। हमने एग वाली मेयोनीज भी बनाकर अपलोड की है, वो भी मौजूद है हमारे चैनल पर। हम आज एगलेस मेयोनीज बनाएंगे। उसके लिए हमें ठंडा दूध चाहिए, बिल्कुल चिल्ड। आधा कप भर कर दूध लिया है हमने, तकरीबन 125 ml दूध है ये। दूध में हम मस्टर्ड पाउडर डाल देंगे, ये राई का पाउडर है। आप चाहें तो मिक्सर में राई को डालकर इस तरह से इसका पाउडर कर लें। बस एक चौथाई टीस्पून डालना है हमें। शक्कर हाफ टी स्पून, एक चौथाई टीस्पून नमक। हम अब इसमें ऑयल डाल देंगे। यहाँ हम डिसानो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जो काफ़ी हेल्दी है। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है आप यूज़ करें। हमने आधा कप दूध यूज़ किया है, तो हम ऑयल एक कप इस्तेमाल करेंगे। ऑयल को हमें दूध का डबल यूज़ करना है। इसका अरोमा बहुत अच्छा है, ये ऑलिव ऑयल है तो हेल्दी तो है ही। आप इसे ज़रूर यूज़ करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। एक बार थोड़ा चला लेंगे ताकि शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इस रेसिपी में दूध को ठंडा इस्तेमाल करें, हो सके तो थोड़ी देर दूध को फ्रीज़र में रख दें, अच्छी तरह चिल कर लें और फिर इस्तेमाल करें, तो इससे दूध के फटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हम अब इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें एक साथ पूरा नहीं डाल देना है, हम आधा ऑयल डालेंगे अभी, आधा बाद में इस्तेमाल करेंगे। आधा ऑयल हमने डाल दिया है, हमें इसे ब्लेंड करना है। ये सारे प्रोसीजर्स आप मिक्सर ग्राइंडर के जार में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का ब्लेंडर अवेलेबल है तो वो ही इस्तेमाल करें। इससे मेयोनीज बहुत अच्छी और गाढ़ी बनकर तैयार होती है। पाँच मिनट तक हमने बीट किया, आप देख सकते हैं कि मिक्सचर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। हम अब इसमें बाकी का ऑयल डालेंगे। जो आधा कप ऑयल हमने रखा है उसमें से हम आधा डालेंगे, थोड़ा ऑयल बचा कर रखेंगे, फिर दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। मेयोनीज काफ़ी गाढ़ी होती जा रही है। दूसरी बार भी ऑयल डालकर हमने 3 से 4 मिनट ब्लेंड किया, बाकी का ऑयल हम डाल देंगे। इस तरह से हमने पूरा एक कप ऑयल इस्तेमाल कर लिया है। ये पॉइंट पर हम इसमें विनेगर भी डालेंगे, एक टीस्पून। आप यहाँ एप्पल साइडर विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से ब्लेंड करते रहेंगे। ये गाढ़ा हो रहा है, इसीलिए ब्लेंडर को इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, ताकि आसानी से ये ब्लेंड हो। इसकी थिकनेस की वजह से ग्राइंड करने में भी हमें परेशानी हो रही है। बस थोड़ा सा और ब्लेंड करेंगे, क्योंकि हमें ये इससे ज़्यादा थिक चाहिए। इसे तब तक ब्लेंड करें जब तक आपको ये ना लगे कि ये मेयोनीज की थिकनेस पर आ गया है। हमने टोटली इसे 6 से 7 मिनट ब्लेंड किया है, ये बिल्कुल मेयोनीज की थिकनेस पर आ गया है। इसे हम थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाएगा। हमने इसमें मस्टर्ड पाउडर डाला है, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप वाइट मेयोनीज बनाना चाहते हैं तो मस्टर्ड पाउडर ना डालें, बाकी सब कुछ इसी तरह डालकर बनाएं, लेकिन मस्टर्ड पाउडर से मेयोनीज का टेस्ट अच्छा हो जाता है। हम आज आपको इससे सैंडविचेस बनाकर बताएंगे चिकन के, और फ्रिज में रख देंगे इसे। इसमें हम किसी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते हैं, तो आप इसे बनाकर 8 से 10 दिन फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी आप और मेयोनीज बनाना चाहें तो फ्रेश बना लें, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। 8 से 10 दिन से ज़्यादा हम इसे फ्रिज में नहीं रख सकेंगे, तो थोड़ा थोड़ा बनाएं और फ्रेश बनाएं। हमने यहाँ पर लेफ़्ट ओवर चिकन ले ली है। हमने चिकन भुना बनाया था, उसमें से जो चिकन बच गई है उसे हमने इस तरह से श्रेड कर लिया है। आपके पास कोई भी लेफ़्ट ओवर चिकन है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं सैंडविचेस बनाने के लिए। हम इसमें मेयोनीज मिला लेंगे। इस पर थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। अगर आप तीखा बनाना चाहते हैं तो थोड़ी हरी मिर्च के छोटे छोटे पीसेस करके डालें। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह।